सो व्हाट्स अप मेरी YouTube की फैमिली, हाउ यू गाइस डूइंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो मुसाफिर इज बैक अगेन। सो आज की वीडियो रहने वाली है एक केवल अपडेट वीडियो, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा। ऑलरेडी मैंने क्रेटा के बारे में वीडियोस बना दिए, लेकिन आप में से सब लोग चाहते थे कि मैं वो आपका वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन है वो चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, तो वो आज की वीडियो में होने वाला है। तो मैं आज जिस गाड़ी के बारे में बताऊंगा वो होगी हुंडई क्रेटा डीजल, और ये रहने वाला है आपका ऑप्शनल मॉडल। टॉप से ऊपर ऑप्शनल होता है, SX ही लिखा हुआ दिखे। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। दिस इज द ऑप्शनल मॉडल, जिसके अंदर आपको जो पूरे न्यू क्रेटा के फीचर्स है वो मिलने वाले। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा ये आपका रहने वाला है डीजल वेरिएंट। इसके बाद आप लोगों ने ऑलरेडी सब चीज़ों के बारे में पता, लेकिन स्टिल जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं इसमें बताना चाहूँगा। सो यू आर गेटिंग दी बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर इसके अंदर, जो कि येलो हेलोजन बल्ब्स इसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड होने वाले। इसी के साथ साथ में जो बीच की ग्रिल है इसको नाम दिया गया है न्यू कास्केट डिज़ाइन। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा जो न्यू कास्केट डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है, ये ओवरऑल बहुत अपीलिंग लुक गाड़ी को देता है। इसी के साथ साथ में क्रेटा के साथ बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी थी कि कुछ नए अपडेट के साथ आएगा, तो फाइनली इट्स हियर। सो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा DRLs आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आप लोग जो अपने फॉग लैंप्स देख रहे हैं दीज आर हेलोजन। सो आप लोग जब वीडियो में देखते हैं तो आपको ये DRLs थोड़े से मूविंग दिखते हैं, लेकिन ये मूविंग नहीं होते, ये आपको रुके ही दिखने वाले। इसी के बाद नीचे की तरफ अगर स्किड की तरफ जाते हैं तो अब आपको थोड़ी सी ब्रॉड इसमें स्किड मिलने वाली है, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि अप टू डेट मार्केट में रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ में अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन ये बिल्कुल टॉप पोस्ट मॉडल यानी कि ऑप्शनल मॉडल है। तो इसके अंदर जो आपको डिफरेंस दिखने वाला है वो ये होगा कि आपके क्रोम हैंडल्स हो जाएंगे, आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है। गेटिंग दिस 17 इंचेस अलॉय, और देख सकते हैं दिस इज अ डिफरेंट लुक, और ये डायमंड कट अलॉय इसका आपको लुक में मिलता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी इसको परचेज करता है उसको ये काफ़ी डैशिंग लुक लगने वाला है। मिरर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यू आर गेटिंग दी ऑटोमेटिकली फोल्डेबल यानी कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स विद आपका अंदर से पूरा इसका कंट्रोल आपको दिया गया। सो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, अंदर की तरफ आप लोग लेके चलता हूँ। तो बड़े बड़े फीचर जो गाड़ी के अंदर आपको ऑप्शनल मॉडल के अंदर एड ऑन होते जाएंगे उसके बारे में मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करते हैं यानी कि जो आपके डोर का साइड प्रोफाइल है उसके बारे में बात करते हैं, ये कलर आपको डार्क होता हुआ दिखेगा। आपके साइड मिरर्स यानी कि ये जो साइड मिरर्स है ये सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी के मिरर्स कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। लॉक एंड अनलॉक डोर करने का ऑप्शन भी आपको सेम मिलता है। तो नीचे की तरफ अगर आप लोगों को ले आऊँ तो दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप लोग चाहे तो प्लेट लगा सकते हैं, जो कि वेलकम प्लेट होती है, जो कि मैंने अपनी Hyundai Elite i20 के अंदर अभी लगाई है। सो इसके बाद आते हैं सिटिंग कम्फर्ट के बारे में। सिटिंग कम्फर्ट पहले भी कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो इसके ऊपर कोई भी चेंजेस आपको कंपनी करके नहीं देने वाला है। सो अगर आप लोग बिल्कुल ऑप्शनल मॉडल के लिए परचेसिंग के लिए जाते हैं तो यू आर गेटिंग ए 6-way एडजस्टेबल सीट, जो कि मैं हमेशा से बोलता था कि बहुत ज़्यादा नीड है। सो फाइनली आपको ऑप्शनल मॉडल के अंदर ये प्रोवाइड होने वाला है। इसी के साथ साथ में अगर आपको अपना फ्यूल कैप खोलना है तो उसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आपको फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में जो आपकी लाइट्स है, जी हाँ लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये आपकी बेसिकली इल्यूमिनेशन लाइट्स है, जो लाइट्स आप लोग देखते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की कभी कभी आपकी आंखों में लगती है, सो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो आपकी बीम रहेगी वो इससे एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको गाड़ी में इस बारी ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक बहुत जबरदस्त फीचर है। ओके गाइस, तो अब अपने स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यू गेट अ लेदर स्टिच्ड स्टेयरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। इसी के साथ साथ में इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और आप लोग जो ये चीज़ देखते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके थंब सपोर्ट के लिए होता है। बेसिकली जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तब ये आपके थंब सपोर्ट के लिए होता है। सो ये चीज़ बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ये सर होता क्यों है उठा हुआ, तो ये इसीलिए बनाया गया। सो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ, बहुत ज़्यादा अपीलिंग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। बीच में आपका MID है, जो कि आपके दूसरे मॉडल से काफ़ी डिफरेंट है, और इसके अंदर पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड इट्स अ स्मार्ट लुकिंग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। लेफ्ट साइड में RPM मीटर है, राइट साइड में आपको मिलता है अपना स्पीडोमीटर। सो इस तरफ अगर अब हम लोग आ जाए तो सिस्टम में आपको मिलता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। सो गाड़ी अभी खड़ी हुई है तो थोड़ी सी इसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर मैसेज भी लगा हुआ दिखेगा। ऊपर आपको मिलता है क्लॉक। प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, सेम बिल्कुल प्लास्टिक क्वालिटी मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दो आपको USB मिलते हैं, ये आपका स्मार्ट और ये फास्ट वाला चार्जिंग। इसी के साथ साथ में जो सबसे बढ़िया चीज़ है, नाउ यू गाइज आर गेटिंग दी वायरलेस चार्जिंग। तो मेरा फोन अभी वायरलेस चार्जिंग वाला चार्ज करने वाला चीज़ नहीं है, नहीं तो मैं आपको रख के जरूर दिखाता। तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग वाला आपको ऑप्शन आ चुका है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को क्लोजर व्यू दिखाना चाहूँगा कितना ज़बरदस्त ये लगता है। इसी के साथ साथ में इस ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, सो यू आर गेटिंग ए 6-speed ट्रांसमिशन।
इसी के साथ साथ में यू आर गेटिंग एडजस्टेबल, यस आप इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। सो दिस इज आपका बेसिकली आर्म रेस्ट है जो कि लेदर स्टिच में आता है और बहुत जबरदस्त दिखने में लगता है। सो आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी अभी सामान रखा हुआ है। सो यहाँ पर आप अपना फोन रख सकते हैं जब आप चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको स्पेसिंग कम हो जाएगी, लेकिन स्टिल जब आपका वायरलेस चार्जिंग वाला काम नहीं है तो आप इसमें अपना सामान भी रख सकते हैं। सो स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे तो 1 लीटर की पानी की बॉटल रख सकते हैं, थोड़े डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं ग्लोव बॉक्स ओपन कर दूं तो आपको ग्लोव बॉक्स दिखाना चाहूंगा। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स में कहीं पर भी कूल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल नॉर्मल ग्लोव बॉक्स है, यानी कि कूल ग्लोव बॉक्स आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाला है। बैक टू अवर स्टेयरिंग अगर हम लोग आ जाते हैं तो आपको दिखाना चाहूंगा, स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे बटन जो अपने सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, विद वॉइस कंट्रोल, कॉल उठाना काटना, बीच में आपका हॉर्न का ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं आपको यहां पर वाइपर्स कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, राइट में आपको इंडिकेटर्स कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ साथ में राइट साइड में जो कि एक मोस्ट अवेटेड थिंग थी जो कि आपको पीछे वाले मॉडल से भी मिल रहा है, गाड़ी में आपको क्रूज मोड मिलने वाला है। और एक चीज बताना चाहूंगा, क्रूज मोड बहुत रिलायबल चीज है, और ऑल दो मैं कहूंगा कि दिल्ली में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप हाईवे में आपकी ट्रेवलिंग ज्यादा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। इसी के साथ साथ में एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो यू आर जस्ट गेटिंग टिल्ट, यानी कि ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ में स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन भी आप लोगों को दिया गया है। सो एक चीज जो मेरी फेवरेट है वो है रियर व्यूइंग मिरर। जी हाँ, ये आपको ऑटोमेटिक, अगर आपकी आंखों में लाइट लगती है सो ये ऑटोमेटिकली उसको डिम कर देगा, जिसकी आपकी आंखों में तंग ना करे। सो आप लोग देख सकते हैं अभी लाइट थोड़ी सी डिम हो रही है जस्ट बिकॉज बैटरी जो है वो लो है। सो यू आर गेटिंग दी हेलोजन बल्ब्स। मोस्ट अवेटेड थिंग इज हियर, सो दिस इज योर सनरूफ। सो इसका कंट्रोल जो है पूरा यहां से आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सो आपने इससे पहले वाले में भी देखा होगा, सो दिस इज हाउ द सनरूफ वर्क्स। एंड मैं कह सकता हूँ अब इस गाड़ी को पूरा रिफॉर्म बना दिया गया है। लेट्स सी कि मार्केट में कैसा रिस्पांस गाड़ी का रहने वाला है। इसी के साथ साथ में जो आपके ये कह सकते हैं वैनिटी है, इसमें आपको मिरर मिलता है, लेकिन इस तरफ अगर आप लोग चले आए तो इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इस तरफ आपको वैनिटी प्रोवाइड की जाती है। एसी के वेंट्स की अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, सेम जगह एसी के वेंट जो आपको प्लेस हुए दिखेंगे, एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला इसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही रहने वाली है कि आपको अब मिलने वाला है आपका वायरलेस चार्जिंग। इसी के साथ साथ में अगर मैं आप लोगों को अपनी चाबी की तरफ दिखाऊं, सो आप लोग देख सकते हैं की में बड़ा डैशिंग सा लुक आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। इसी के साथ साथ में अब आपको स्मार्ट बैंड भी मिलता है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज जब आप लोग गाड़ी की डिलीवरी लेंगे या फिर जब आप गाड़ी बिल्कुल डन कर देते तब आपको बैंड दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो मिसप्लेस ना हो जाए इसलिए अभी नहीं दिखाया जा रहा है। उसमें बेसिकली पूरी मॉनिटरिंग होती है। सो ट्राई करूंगा अगर कोई मेरा फ्रेंड या नोन में कोई बंदा गाड़ी लेता है तो मैं आपको स्मार्ट बैंड भी ज़रूर दिखाऊँ। ओके, सो गाड़ी का साइड प्रोफाइल में आपको एज सच कुछ भी डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो हैंडल्स है वो आपको क्रोम मिलने वाले। सो अगर सिटिंग के बारे में आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं तो सिटिंग ऑलमोस्ट सेम है, मैंने जो ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है उसमें जो आपको परफेक्टली सिटिंग मिलती थी वही इस गाड़ी के अंदर भी मिलेगी आपको। सो आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा मैं, अगर आप लोग अपने आर्मरेस्ट की तरफ जाते हैं, सो आर्मरेस्ट में आपको दो कप होल्डर्स मिलने वाला है। एसी के वेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको दो एसी के वेंट्स पीछे मिलेंगे। इसी के साथ साथ में आपको 12 वोल्ट का एक चार्जर मिलता है। ओके गाइस, तो बैक प्रोफाइल में सच कुछ नया आपको दिखाने को नहीं है। अगर आपने क्रोम गार्निश ऑलरेडी देखा हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में दिखाया था, सो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक अपडेट वीडियो थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि जरूर आएगी एक वीडियो। सो आपको स्पॉइलर टेल लाइट भी इसमें मिलने वाली है। इसी के साथ साथ में जो लाइट्स है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि लाइट जो है वो किससे इंस्पायर्ड है। सो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी लाइट I20 देखा तो उसमें ये शेड आया करता था, तो सेम शेड आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। सो दिस इज द ऑप्शनल मॉडल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ए ऑप्शनल मॉडल, सो ऑप्शनल मॉडल में आपको एज सच कोई भी डिफरेंस लिखा हुआ नहीं दिखता है। सो बेसिकली आपको लगेगा कि टॉपेस्ट मॉडल है, लेकिन जो फीचर्स वाइज है वो आपको इसमें ऑप्शनल दिखने वाले। सो इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा शार्कफिन एंटीना आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जो कि एक कह सकता हूं कि इस सेगमेंट की सब गाड़ियों के अंदर काफी हद तक इंस्पायर्ड आपको होने वाला है। सो रूफ रेल्स के बारे में बात करते हैं। अगेन रूफ रेल्स के बारे में अगर आप बात करते हैं तो पहले आपको पूरे ब्लैक कलर में मिलते थे जो कि अब एक आपको ट्रांसफॉर्म वे में दिखने वाले हैं। सो अगेन कमिंग टू अवर बूट, सो आपको इजीली इसमें बूट ओपन करके दिखा देता हूं कि कितने आपको बूट स्पेस मिलता है। सो स्पेस वाइज अगर आप लोग बूट स्पेस को देखते हैं तो बूट स्पेस बहुत स्पेसेस बनाया गया। अगर आप लोग कभी लॉन्ग ट्रैवल में अगर जा रहे हैं या फिर आपको कभी भी कुछ प्लान करना है, सो आपके पास बहुत बढ़िया स्पेसिंग मिलने वाली है। सो आपकी जो स्टेपनी और आपकी पूरी टूल किट है वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ऑल्दो मैं एक चीज़ जो कहता हूँ कि हमेशा एक गाड़ी के अंदर होना चाहिए, सो आपको पीछे एक लाइट मिलती है जो कि मस्ट है,
और ये चीज़ हमेशा आपको Hyundai Creta के अंदर मिलेगी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कार। तो पीछे की स्किड के बारे में भी एक चीज़ बताया था, पीछे की स्किड भी थोड़ी सी ब्रॉड की गई है। अब अगर आप बात करते हैं कि ये स्किड ब्रॉड करने का मेन रीज़न क्या है, सो अगर आप लोग फ्रंट लुक की तरफ गाड़ी के जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड स्किड मिलने वाला है। उसका मेनली यूज़ क्या है, जो आपका बम्पर है उसके नीचे के लुक को थोड़ा सा ऑन इन्हेंस करने के लिए वो लुक दिया गया है। सेम अगर आप पीछे की तरफ बम्पर को देखते हैं सो इसको भी थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉड इसमें स्किड मिलने वाला है। यू आर गेटिंग 4 रियर सेंसर्स जो कि आपको इस ब्लैक के अंदर मिलते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा आपके यहाँ पर प्लेस्ड और फोर्थ यहाँ पर है। इसी के साथ साथ में जो कैमरा है एंड द कैमरा क्लैरिटी ऑफ क्रेटा इज़ रियली गुड। अगर आप लोग क्लैरिटी इसके कंपेयर करते हैं दूसरे कैमराज से एंड स्पेशली Hyundai के जो कैमराज है दे आर वेरी गुड और आपको बिल्कुल HD वाले फील ये देने वाले। तो सीटिंग के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या इट्स अ परफेक्ट 4-सीटर और 5-सीटर। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इट्स अ परफेक्ट 4-सीटर, लेकिन 5th सीटिंग जो है बेसिकली आप देख सकते हैं जो आपका आर्मरेस्ट रहने वाला पीछे वाला, सो यहाँ पर आप लोग सीटिंग कर सकते हैं लेकिन स्टिल कम्फर्ट जो है वो थोड़ा कम रहता है। और अगर हम के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हम्प नहीं मिलता है, यानी कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल फ्लैट सर्फेस है जिसकी वजह से आप इजिली बैठ सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपकी हाइट छोटी या फिर आप बच्चे हैं तो आप इसमें इजिली बैठ पाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आप लोग थोड़े से भी लंबे होंगे तो आपका पैर इसमें टकराएगा, सो वो आपको इशू कर सकता है। डोर्स का एक चीज़ आपको बताया था, सो दिस इज़ फुली प्लास्टिक। नीचे की तरफ आपको एक सॉफ्ट कपड़ा मिलता है, लेदर स्टिचिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है जो कि गाड़ी को एक कॉम्पैक्ट लुक देती है। इसी के साथ साथ में यू आर गेटिंग 6 एयरबैग्स इन दिस कार। सो आप अगर टॉपेस्ट मॉडल के लिए जाते हैं यानी कि ऑप्शनल मॉडल जो है तो यू आर गेटिंग 6 एयरबैग्स, इससे नीचे वाले में जाएंगे तो आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे। सो एक चीज़ और मैं आप लोगों को इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे ही आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं बाई चांस आपने अपनी गाड़ी लॉक नहीं की है तो ऑटो सेंसिंग इसके अंदर है, यानी कि जैसे आप स्पीड में होंगे आपके डोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो आई होप कि पसंद की होगी। आई नो कि गाड़ी के बहुत सारे फीचर मिलते जुलते, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखने वाली है वो है कि स्मार्ट बैंड और आपको वायरलेस चार्जर मिल चुका है, जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है। सो अगर आप में से किसी को भी प्राइसिंग लिस्ट देखना है तो मेरी आपको वीडियोस मिल जाएगी जिसमें मैंने प्राइसिंग डाला है, क्योंकि बार बार मैं प्राइसिंग आप लोगों को बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। सो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो किसी भी पॉइंट में पसंद आई हो क्योंकि केवल अपडेट वीडियो थी भाई। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। चैनल में इतना प्यार दिखाया, भाई को और प्यार दिखाओ, ऐसे ही प्यार करो और प्यार बढ़ाते जाओ। सो मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर @ 11। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। इसी के साथ भाई की इस वीडियो को एंड करते, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।